20वां दिन माता मरिया क्रूज के निकट। सब पूरा हो चुका है। संत यूहन्न अध्याय 19 पद संख्या 30। शुक्रवार का दिन था, प्रभुवर का परम पावन दिन जो संसार के अंत तक स्मरणीय रहेगा। कलवारी पर्वत आज तक अपराधियों के लिए मौत का स्थान था, जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाता था, पर आज मुक्तिदाता के चरणों का स्पर्श पाकर पवित्र हो गया है। नहीं भूलेगा कोई इस पर्वत को। यीशु का बलिदान क्रूस पर चढ़ाए बिना नहीं हो सकता था। क्रूस अब मानव मुक्ति की वेदी बन गया, क्योंकि यीशु स्वयं अपना प्राण अर्पित करने जा रहा था। क्रूस की लकड़ी पर प्रभु यीशु को लिटाया गया। बड़ी निर्दयता से उसके हाथ पांव में कीले ठोक कर उसे क्रूस पर जड़ दिया गया। फिर क्रूस को झटके के साथ खड़ा कर दिया गया। प्रभु के अंग प्रत्यंग में अत्यंत पीड़ा हुई, जिसका शब्दों में वर्णन करना हृदय को कपा देने वाला है। प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। विश्व मंडल का सृजनहार अब इस प्रकार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच 3 घंटों तक टंगा रहा। क्रूस पर एक पट्टी टांग दी गई थी, जिस पर पिलातुस ने लिखवा दिया था, यीशु नाजरी, यहूदियों का राजा। संत यूहन्न अध्याय 19 पद संख्या 19। यीशु ने सत्य और प्रेम का साम्राज्य स्थापित करना अपना सर्वोत्तम कर्तव्य समझा था। ये यहूदियों को बुरा लगा। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्होंने यीशु को अपराधी घोषित किया और अंततः उसके प्राण ले लिए। शोक से भरी उसकी दुखित माता उसी क्रूस के निकट रोती हुई खड़ी थी। अपने पुत्र का भयानक दुख के साथ प्राणों का अंत देखती रही। दुष्टों ने प्रभु को उस समय भी नहीं छोड़ा। वे अपमानजनक शब्दों से प्रभु की निंदा कर रहे थे। इस दुखद परिस्थिति में भी प्रभु के मुखमंडल पर दिव्य तेज और शांति सुशोभित थी। उसका प्रेम प्रत्यक्ष था। अपमानजनक बातों को सुनकर भी प्रभु के दिव्य हृदय से परोपकार सूचक शब्द ही निकले। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। संत लूकस अध्याय 23 पद संख्या 34। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरिया और मरिया मग्दलेना क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास उस शिष्य को, जिसे वे प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। संत यूहन्न अध्याय 19 पद संख्या 25-27। उस समय यूहन्न सारी मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसे प्रभु ने प्रिय माता के संरक्षण में सौंप दिया, जिससे मरिया उसकी देखभाल करती रहे और यूहन्न उसकी सेवा करता रहे। अब प्रभु यीशु के दुखभोग का अंत निकट था। फिर एक तीव्र एकाकीपन के अनुभव से प्रभु का हृदय विचलित होने लगा। परमेश्वर ने शरीरधारी यीशु के सामने से अपनी उपस्थिति का अनुभव समाप्त होने दिया। यीशु के लिए यह आत्मशून्यता सबसे अधिक कष्टमय प्रतीत हुई। वे ऊंचे स्वर से पुकार उठे, एली एली लेमा सबाक्थानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। संत मत्ती अध्याय 27 पद संख्या 46। शरीर में रक्त की कमी प्रियजनों के वियोग और सबसे अधिक पिता परमेश्वर के अनुपस्थिति के कारण प्रभु यीशु का शरीर, उसकी आत्मा, उसका सर्वस्व सूख सा गया। फिर
फिर उनकी करुण पुकार सुनाई पड़ी, मैं प्यासा हूँ। संत यूहन्न अध्याय 19 पद संख्या 28। धर्म ग्रंथ के कथन का उद्देश्य भी पूरा हुआ। सनातन काल से मानव हृदय उस रहस्यमय दिव्य अमृत की खोज में है, जिसे प्राप्त किए बिना हृदय शांति नहीं पाता है। वह दिव्य अमृत परम पिता का प्रेम है। ईश प्रेम को ग्रहण करने की कसौटी परम पिता की इच्छा पूर्ति है। प्रभु के संपूर्ण जीवन की असीम प्यास थी परम पिता की इच्छा पूर्ति, जो पूरी हुई। वहां खड़े सिपाहियों में से एक ने खट्टी अंगूरी से भरे पात्र में पंसोक्ता डुबोया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर येसु के मुख से लगा दिया। येसु ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। संत यूहन्न अध्याय 19 पद संख्या 28 से 30। प्रभु येसु धन्य है, परम पिता की इच्छा पूरी हुई, प्रभु के जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। दृष्टांत, पिक्कोलोमीन नामक एक व्यक्ति था। वो माता मरिया का भक्त था। उसने अपना जीवन येसु और मरिया के दुखों पर मनन चिंतन करने में ही व्यतीत किया। उसकी तीव्र इच्छा थी कि ये भक्ति उसकी मृत्यु तक बनी रहे। वो प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि उसकी मृत्यु पवित्र शुक्रवार के दिन ही हो। उसकी इच्छा पूरी हुई। एक दिन माता मरिया ने उसे दर्शन देते हुए कहा कि वो पवित्र शुक्रवार के दिन ही मृत्यु को प्राप्त होगा। वो तैयार है। पवित्र शुक्रवार के पावन अवसर पर सब समाज सेवक गिरजाघर में मसीह के दुखभोग का भजन गा रहे थे। यीशु के पास उनकी माता खड़ी थी। यीशु ने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। इतना सुनते ही पिक्कोलोमीन की शक्ति क्षीण होती गई, शरीर शिथिल होता गया और अंततः उसने अपनी आत्मा परमेश्वर के कर कमलों में सौंप दी। उसी समय गिरजाघर में बिजली कौंध गई। एक सुंदर प्रकाश दिखाई दिया, जो पिक्कोलोमीन की पवित्रता का चिन्ह माना गया। अभ्यास, प्रभुवर येसु और मरिया के दुखों पर प्रतिदिन मनन करें तथा पवित्र जीवन जीने का प्रयास करते रहें। प्रार्थना, हे अति प्रिय माता, तेरे दुखित हृदय के साथ हम भी अपने दुखों को ईश्वर के प्रेम तथा उसकी इच्छा पूर्ति हेतु अर्पित करते हैं। हमें कृपा दिला कि हम तेरे आदर्श अपना सकें और तेरे पुत्र के योग्य शिष्य बन सकें। आमीन।